ईश्वर गुरुदेव के लाइ प्रभु गुरुदेव जागे बांस हे नाथ हे Thank you.
इतनी भयंकर रात में ना किसी को आने का समय नहीं जाने का समय, ये 2 बजे रात्रि का समय, गोरखपुर में कौन आया? नहीं चेला ब्रजभार है, राम जीवन दास भंडार चटाने गया है, गोरखपुर में सेवा कौन करेगा? इस समय मैं देख रहा हूँ कि मेरे स्थान में कौन है, कहाँ से आया है और किस लिए आया है, मैं अभी जाकर के देख रहा हूँ। सर मैं 1 मिनट के लिए घबरा गए थे, सोच रहे थे कि नहीं चेला है, नहीं गुरु से संपर्क है, तो गोरखपुर में गोरख का सेवा तीसरा कौन करता, इसीलिए मुझे चिंता था। चेला ब्रजभान गुरु को दरबार चेला के लिए हर हमेशा ही खुला रहता है, जब मर्जी हो गुरु को चरण में जाओ, चना अमृत पाओ, प्रसाद पाओ, गुरु के लिए कोई हर्ज की बात नहीं, इसीलिए गुरु का कर्तव्य है जब चेला जो अपने आश्रम में आ जाते हैं तो नीक बुद्धि नीक वचन नीक विचार से उसको स्वागत करें, इसीलिए मेरा काम है। पहला वार्निंग मैं तुमको समझा रहा हूँ, संसार में जितना नजर से देख रहे हैं, महल अचारी बैंक खजाना दुनिया अचारी माल मवेशी बेटी पुतो, यह संसार जो है यह माया का जाल है। संसार में लोग ये नहीं समझते तो क्या कहते हैं, यह तो मेरा घर वाली है, यह तो मेरा बेटा है, यह तो मेरा पोता है, यह तो मेरा चाचा है, यह तो मेरा चाची है, यह मेरा पुरुष है, यह मेरा नारी है, नहीं गलत है, यह सब माया का जाल। जैसे हम लोग अपने माता को गर्भ से मुट्ठी बांध के आए, हाथ पसार के एक दिन चले जाएंगे, बेटा पुतोह कोई साथ नहीं जा सकता, इसीलिए संसार का कहना है यह माया का जाल है। हम लोग 2 दिन के लिए नैहर में आए, 1 दिन रहेंगे 1 दिन जाएगा, कहते हैं हमारे सरकार फरमान से आए हैं सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे जंजीर, जाना सभी को है। चेला ब्रजभान गुरुदेव हमको तुमको माता पिता कितने तपस्या किए तो यह मानव जीव पैदा किया, हमारी माता मानव जीव क्यों पैदा किया, मेरा से कबूल करवाया कि हे गुरुदेव मैं वहां जाकर के भक्ति करूंगा, लेकिन जब अपने यहाँ आ जाते हैं तो कहते हैं क्या कहा, बोलो कुछ नहीं कबूल किया, यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं, खाते हैं अंडे, काटते हैं बकरी, और यहाँ पर कोई चीज का सरकारी नहीं है। चेला ब्रजभान इसीलिए मानव जीव अनमोल है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर गया बहुर न लग जाए, जिस दिन जाएंगे हम लौट करके यहाँ नहीं आएंगे। चेला ब्रजभान ज्यादा प्रवचन सुनेंगे मेरे से तो सारा रात तो मैं ही पार कर सकता हूँ, इसीलिए चलो तुम बहुत दिन के बाद गुरु को आश्रम में आए हैं, क्या समाचार है, क्या संदेश लेकर के गुरु को दरबार में आए हैं, उसका समाचार सुनाओ चेला ब्रजभान।
के लाए। कौन कहा तुमको ब्याही को लाने के लिए? मैं तो नहीं कहा। तुम क्यों लाया? माया को जाल में फंसोगे तो तुमसे भक्ति होगा? नहीं हो सकता। माया को जाल में जो जीव फंसते हैं भवसागर नहीं पार होने से जाने समय में बड़ी लग जाता है। तुम कहां जाओगे उस समय तुमको बड़ी लग जाएगा। इसीलिए तुम माया को जाल में फंसना चाहते हो तो गुरु भक्ति छोड़ दो। अपनी माता को सेवा करो, पिता को सेवा करो, अपने परिवार को सेवा करो। तुम गोरख कहते हैं गरा में कंठी बांध के करे कसाई का काम, जाना है बैकुंठ को तो बुर्बक है भगवान। यह नहीं होता। खुशी हुआ और उससे पूछे कि हे सती, तुम इतनी अवस्था में क्यों है? क्या कारण है? तुम्हारी माँ ने क्वेश्चन किया बाबा गोरख से, बाबा गोरख मेरे पास में एक लड़का नहीं, लोग गांव के हम मुझे बाधिन कहते हैं, क्या मेरे कोख में लड़का बच्चा नहीं दिखे? मैंने उस जगह कहा नहीं है तो मैं क्या कर सकूं? तो कहा कि बाबा गोरख मेरे कोख से एक लड़का एक लड़की पैदा होना चाहिए। मैंने उस समय आशीर्वाद दिया कि जाओ लड़का लड़की जरूर पैदा होगा। मेरे कहने से तुम्हारी माता को वादा गोरख ने पुराया। 9 महीना तक तुम्हारी माता को कोख में मैंने भर्ती किया। 9 महीना के बाद पैदा किए, 6 दिन के बाद तुम्हारी माँ छठिहार किया। छठिहार पूजा करके तुम्हारी माता घर में सो गई। उस समय
गोरख देखा कि क्या कर रहा है सती अभी घर में। गोरख भयंकर सपना दिया कि सती मेरा प्रसाद है लेकर के आओ। तुम्हारी माता 1 बजे रात में गोरख स्थान में गया। तुम्हारी माँ ने कही बाबा मुझे लड़का पैदा लिए हैं, इसीलिए छठियार का समय था, लेट हो गया। कहा चलो ठीक है। तुम्हारी माता उस समय तुमको दान दे गया और कबूल किया कि लड़का होगा लड़की, मैं आपको दान दे जाऊंगा। तुम्हारा माँ तो दान दिया है तो अभी भाग क्षमा करता हूँ मैं, लेकिन ये पूछना चाहता हूँ अभी तुम 1 बार स्वीकार करो। मैं तुमसे ये पूछता हूँ संसार में तुम जोग करेगा कि भोग करेगा? बोलो। ये दुनिया संसार में छत्री कुल का बालक छत्री हुए ना, तुम्हें क्या चाहिए बिल्कुल बोलो। यही दुनिया संसार में कुछ नहीं चाहिए है गुरुदेव। नहीं, गुरु का वाणी है जोग करो या चाहे भोग करो। हे प्रभु बोलो। यही दुनिया संसार में केवल जोग चाहिए है गुरुदेव। जोग चाहिए, लेकिन जोग करने के लिए क्या करना पड़ता है सो मालूम नहीं। जोग करने के लिए तपस्या करो, दान पुण्य करो, झूठ नहीं बोलो, सच्चाई रास्ता पर चलो, उसका नाम है जोग। चला बिरजभान। ईश्वर ठीक है, अगर तुम जोग करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें जोग ही करवाऊंगा। तुम ऐसे करो, यहाँ से चले जाओ भालागीर बंगाल,
12 बरस को उम्र को लेकर के झक मारती है सकी सुगिया सुकेशरी धौलागिर बंगाल में। उसको मैंने वादा दिया हूँ, उसको वादा पूरा करके डोली फना करके दक्षिण शहर ले आओ, तभी तुम्हें कल्याण होगा और तुम्हारा जोग पूरा होगा। हे गुरुदेव, बोलो ये गोरखपुर से यहाँ से मैं कैसे जाऊँ धौलागिर बंगाल? कैसे 12 बरस जाने में लगेगा, 12 बरस आने में, 24 बरस को रास्ता है। जाने में क्या दिक्कत है? जब तुम्हारे गुरु साथ है तो तुम धौलागिर बंगाल जाकर के सती सुगिया सुकेशरी को जोली फैला कर ले आ, तभी तुम्हें कल्याण। धौलागिर बंगाल जा रहे हो, जब तक सती सुगिया सुकेशरी को जोली नहीं आया तब तक तू हमारे मुंह दिखाने के लिए गोरखपुर में नहीं आना। ईश्वर, आप यहाँ से कहाँ डाल छे गुरुदेव? धौलागिर बंगाल ईश्वर, सुगिया सुकेशरी की जोली फुड़वा ले प्रभु, गुरु को दे से प्रभु। आप यहाँ से कुना के धौलागिर बंगाल जाओ हे गुरुदेव, ये 12 वर्ष के रहिया धौलागिर बंगाल हे ईश्वर। Thank you.
चमट्टी लग रहा प्रभु, आप यहां से कोना के जाओ हे गुरुदेव।